हेलो दोस्तों, मिशन 2022 ट्रेड फिटर्स थ्योरी सेकंड ईयर, हम भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, आज के वीडियो में हम 101 क्वेश्चन नंबर से आगे सॉल्व करेंगे। बाकी निर्देश आपको कई बार बताए जा चुके हैं पिछली वीडियोज में, वो सेम रहेंगे। सीधा शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड का नेतृत्व तो नहीं है, वो लीड ही कहलाता है हिंदी में भी। लीड क्या है? लीड कहते हैं एक पूरे चक्कर में नट कितना आगे एक्सियल डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ है, उसको हम टोटल लीड कहते हैं। और पिच होती है दो धागों के बीच में एक सीधी रेखा वाली दूरी, उसको हम पिच कहते हैं। आप लोगों ने आमतौर पर नट बोल्ट के ऊपर जो थ्रेड देखे होंगे वो सिंगल स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मल्टी स्टार्ट। अब ये मल्टी स्टार्ट थ्रेड आपने कहाँ देखी होंगी? देखी है आपने, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि होती होगी कई मशीनों में, हमें नहीं पता, बाद में जाके देखेंगे। आपने देखी है बिस्लरी की बॉटल को, कभी ढक्कन को खोल के देखना, उसमें थ्रेड जो होती हैं, जो चूड़ियाँ उसमें कटी होती है ढक्कन में और बोतल में, वो एक से ज़्यादा जगह से शुरू होती हैं, दो या तीन जगह से शुरू होती हैं। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड टू स्टार्ट थ्रेड भी हो सकती है, थ्री स्टार्ट थ्रेड भी हो सकती है। ये आप देखना बिस्लरी की बॉटल को खोल के, या किसी कैसरोल के, कैसरोल होता है जिसमें खाना गर्म रहता है, या टिफ़िन बॉक्स के, किसी प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स के ढक्कन को देखना, आपको मल्टी स्टार्ट थ्रेड मिल जाएंगी। और ये मल्टी स्टार्ट थ्रेड वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर हमें जल्दी से असेंबली करनी हो और जल्दी से खोलना हो। तो इसका लीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो आंसर ए सही है। अगर ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो लीड पिच के बराबर होगी, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में हमेशा लीड पिच के बराबर होगी। अगर ये टू स्टार्ट है यानी कि नंबर ऑफ स्टार्ट दो हैं, तो पिच को दो से गुणा कर देंगे तो लीड पिच के दुगनी हो जाएगी, और तीन है अगर नंबर ऑफ स्टार्ट तो पिच लीड के तीन गुना हो जाएगी। इसका सही आंसर है ए, बाकी सारे आंसर गलत हैं, उनके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, लीड होती है पिच गुणा नंबर ऑफ स्टार्ट ऑफ थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्रू। इस स्क्रू का प्रकार क्या है? ये एक शाफ्ट का हब दिखाया हुआ है, इसके अंदर शाफ्ट जाएगी और उस शाफ्ट को इस हब के साथ लॉक करने के लिए हमने की का इस्तेमाल नहीं किया, चाबी का इस्तेमाल नहीं किया। चाबी वो वाली नहीं, ताले वाली चाबी नहीं होती, आप समझ गए होंगे मैं की किसको कहता हूँ। चाबी घाट में जो चाबी जाती है जब हम शाफ्ट को हब के साथ लॉक करना चाहते हैं। तो अगर हमने चाबी का प्रयोग नहीं करा, हमारे पास दूसरा तरीका होता है, इस स्क्रू से हम हब में होल कर देते हैं और वो नीचे जाके शाफ्ट में एक ग्रूव बनाया हुआ तो होता है जिसमें ये स्क्रू जाके फंस जाते हैं। तो शाफ्ट और हब को लॉक कर देते हैं, अब ये घूमेंगे तो एक साथ घूमेंगे और रुकेंगे तो एक साथ रुकेंगे, ये इसका पर्पस है। स्क्रू बहुत सारे तरीके के होते हैं, बिना हेड वाले स्क्रू को, अगर उसमें हेड नहीं बना हुआ है, बिना हेड वाले स्क्रू को या तो सेट स्क्रू कहेंगे या फिर उसको ग्रब स्क्रू कहेंगे। तो ये जो स्क्रू आपको दिखाए गए हैं ये बिना हेड वाला है, इसमें हेड नहीं बना हुआ। ये स्क्रू सीधा एक सिलेंड्रिकल होता है और ऊपर इसके सिर में हम ये एलन की, एल की या हेक्सागोनल की या स्क्वायर की, इस तरह का एक ग्रूव बना देते हैं और उसी चाबी से ये खुलता और बंद होता है। इसका नाम सेट स्क्रू हो सकता है या ग्रब स्क्रूज हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, हेक्सागोनल हेड स्क्रू ये नहीं है क्योंकि वरना इसका सिर हेक्सागोनल शेप का यानी कि छः पहल का बना होना चाहिए था। जो आप आमतौर पर बोल्ट के सिर देखते हैं वो छः पहल के बने होते हैं, या नट भी छः पहल के आपने देखे होंगे, हेक्सागोनल कहते हैं उसको जिसकी छः साइड्स होती हैं। ग्रब स्क्रूज, ये आंसर सही है। राउंड हेड, इसका सिर राउंड हेड नहीं है, ये सिलेंड्रिकल है, इसका हेड ही नहीं है, तो राउंड हेड है ही नहीं इसके पास, तो सी ऑप्शन गलत हुआ। स्क्वायर हेड भी इस पर नहीं बना हुआ, इस पर कोई हेड ही नहीं बना हुआ है, तो बाकी तीन आंसर गलत हो जाते हैं, एक बी आंसर सही है। इसका नाम है ग्रब स्क्रूज और इनको सेट स्क्रूज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट। इस नट का नाम क्या है? ये नट जो है जो नीचे से हेक्सागोनल है, इसमें नीचे छह साइडें हैं और ऊपर ये सिलेंड्रिकल है और इस सिलेंड्रिकल पार्ट में स्लॉट कटे हुए हैं। ये स्लॉट होता है, स्प्लिट पिन यहाँ पर डाली जाती है, इसके बीच में जो बोल्ट आएगा, इस नट के अंदर जो बोल्ट आएगा, यहाँ पर उसमें एक आर पार होल दिया होगा, उस होल में इस स्लॉट के अंदर से हम स्प्लिट पिन डालते हैं और उसको लॉक कर देते हैं ताकि ये नट ना खुले वाइब्रेशन में। इसका नाम होता है कैसल नट। कैसल नट ऑप्शन ए है। और इसका नाम कैसल नट क्यों पड़ा ये भी आप समझ लीजिए ताकि आपको याद रहे। किलो को इंग्लिश में कहते हैं कैसल, और किलो में ऊपर की आपने चार दीवारी पे देखा होगा बीच बीच में ऐसे स्लॉट्स बने रहते हैं जहाँ से तीरंदाज तीर मारते थे छुपकर नीचे दुश्मन की सेना पर। इसकी शेप क्योंकि उस किले के उन ऊपर वाली छतों जैसी लग रही है इसलिए इसका नाम कैसल नट रखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैसल नट।
क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नट, इस नट का नाम क्या है। अब इसका टॉप व्यू भी आपको दिखा रखा है और इसको उल्टा करके इसका बॉटम व्यू भी दिखा रखा है ताकि आप ये देख लें कि इसमें ये लेग बने हुए हैं तीन, और ये लेग क्यों बने होते हैं। पूरा नट को टाइट करने के बाद अगर हमें इसे परमानेंटली फिक्स करना है, क्योंकि उस असेंबली को हमें पता है बार बार खोलना ही नहीं है, और वॉशर हमारे पास नहीं है, लॉक वॉशर हमारे पास नहीं है, और कोई लॉकिंग डिवाइस हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये लेग और नट के बीच में थोड़ा सा जो गैप है इसमें वेल्डिंग भर देते हैं। ये वेल्डिंग के काम आता है, इसका नाम है हेक्सागोनल वेल्ड नट, ऑप्शन बी सही है। ये कैसल नट नहीं है, ये हेक्सागन नट विद कॉलर नहीं है, इसको कॉलर नहीं कहते, इसको लेग कह सकते हैं, लग कह सकते हैं, कॉलर नहीं कह सकते, कॉलर गोल कोई चीज़ होगी। सेल्फ लॉकिंग नट भी ये नहीं है, ये सेल्फ लॉकिंग नहीं करता है, ये वेल्डिंग होने के बाद फिक्स हो जाता है और नट को फिर खोल नहीं सकते बिना ख़राब करे, तब ये सेमी परमानेंट यानी कि अर्ध स्थाई बंधक के तौर पे काम करेगा। वैसे नट जो है वो अस्थाई बंधक होता है, पर अगर आपने वेल्डेड नट यूज़ करा और उसको वेल्डिंग कर दिया तो ये अर्ध स्थाई बंधक के तौर पे काम करेगा, क्योंकि अब असेंबली खोलने के लिए आपको नट को ख़राब करना पड़ेगा यानी कि वेल्डिंग को काटना पड़ेगा, और वेल्डिंग को काटने के लिए आपका नट ख़राब हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है हेक्सागोनल वेल्ड नट। हेक्सागोनल क्यों, क्योंकि इसके 6 साइड्स आपको दिखाई दे रही होंगी, ये 6 पहल का है नट, और वेल्ड नट इसलिए क्योंकि इसमें जो नीचे लग निकले हुए हैं ये इसीलिए होते हैं कि ताकि पूरा नट जब टाइट हो जाए तब भी इसके बीच में गैप रहे और हमारी वेल्डिंग अंदर तक जाकर इसको मजबूती से जॉइंट लगा दे। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल, इस रेंच का नाम क्या है। ये एक रेंच है, राइट, रेंच होता है चाबी जिससे हम नट को या फास्टनर्स को खोलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि नट में स्लॉट्स बने हुए हैं और ये जो रेंच है आपके पास इसमें आगे एक लेग जैसा निकला हुआ है, एक प्रोजेक्शन हमने बनाया हुआ है ताकि वो इस स्लॉट में फंस जाए और फिर हम जब इसको घुमाएं तो ये घूम जाए नट, तो टाइट हो जाएगा या खुल जाएगा, उल्टी तरफ घुमाएंगे तो खुल जाएगा, सीधी तरफ घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा, जैसे भी राइट हैंड और या लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ जो भी है इसमें। तो इसका नाम पूछ रहे हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नाम है फेस रेंच, ओके। दूसरा नाम है हुक स्पैनर, अच्छा। तीसरा नाम है फेस पिन रेंच और आखिरी नाम है पिन रेंच। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई गुंजाइश है नहीं, ये आंसर बहुत आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। फेस इस हिस्से को कहता है, किसी भी टूल को अगर आप देखेंगे तो उसके फेस जहां लिखा होगा वो एक फ्लैट सरफेस होगी, सपाट सतह होगी। यहां पर हम इस स्पैनर को या इस चाबी को जहां लगा रहे हैं वो गोल सतह है, गोल सतह के ऊपर लग रही है, तो ये फेस नहीं हो सकता। तो जहाँ जहाँ फेस लिखा हुआ है वो आंसर गलत हो जाता है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ये फेस नहीं हो सकता। हुक स्पैनर यस हो सकता है। लास्ट ऑप्शन पिन, इसमें पिन जैसी कोई चीज़ नहीं लग रही है, पिन होती है एक सिलेंड्रिकल कोई प्रोजेक्शन, अगर हमने बेलनकार कोई पिन जैसा कोई चीज़ इसमें दिखाई दे रही होती हमें तो हम इसको पिन रेंच कह सकते थे, पर इसमें पिन नहीं, हुक जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर है हुक स्पैनर। तो ये आंसर तब हमने सही ढूंढ लिया। अब एक चीज़ इसमें रह जाती है कि आपको ये बताना है कि क्या फेस रेंच या फेस पिन रेंच नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती है। यस, होती हैं और वो ऐसी दिखती हैं। अगर कोई ऐसा फास्टनर होगा जिसमें फेस पर आपको कोई ग्रूव दे रखा होगा और वहाँ पर ये पिन फंस के या हुक फंस के उसको घुमाएंगे तब उसको फेस रेंच कहेंगे। इस क्वेश्चन में जो हमें चित्र दिया है वो चित्र है आपके हुक स्पैनर का, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्रू, इस स्क्रू का टाइप क्या है। भाई ये एक स्क्रू है जिसमें नीचे आपने देखा चूड़ियाँ कटी हुई हैं और इसने इन दो पार्ट्स को आपस में बांध रखा है, और ये डूबा हुआ है, इसका सिर ऊपर वाले पार्ट में डूबा हुआ है, पूरा का पूरा अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल इसका हेड है, वो अंदर डूबा हुआ है उस पार्ट के। तो इसका हमसे नाम पूछ रहे हैं, पहला नाम पढ़ते हैं, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। बात सही लग रही है, इसमें जो हेक्सागन सॉकेट अंदर अगर आप सॉकेट देखेंगे इसका जो एक डिप्रेशन बनाया हुआ है उसको सॉकेट कहते हैं। तो ये जो सॉकेट देखेंगे इसमें आपको 6 साइड दिखाई देगी, ये 6 साइड का इसमें एक सॉकेट बनाया हुआ है, तो हेक्सागन सॉकेट नाम सही है। हेड भी है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल जो ऊपर आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये स्क्रू का हेड है। कैप स्क्रू, यस, ये सही हो सकता है आंसर। तो अभी आगे वाले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन है हेक्सागन हेड स्क्रू। हेक्सागन हेड स्क्रू का मतलब हो गया उसका सिर ही हेक्सागन शेप का है, जबकि हमारा हेक्सागन शेप का सिर नहीं है, हेड इसका सर्कुलर है यानी कि सिलेंड्रिकल है, तो बी ऑप्शन तो गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन है काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू नहीं है, ये काउंटर बोर है। काउंटर बोर में जो हम जहाँ पर ये इसका सिर आके बैठेगा
अंदर डूबेगा, उसकी दीवारों को सीधा बनाते हैं, पूरा पूरा हेड आपका उसके अंदर बैठता है। जबकि काउंटर संक जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है वो बेवल्ड होता है, तिरछा होता है, और उसमें तिरछे सिर वाले जो हेड होते हैं वो आके बैठते हैं ऊपर की सतह, उसमें भी आपका हेड बाहर नहीं निकलता आपके पार्ट से। लेकिन काउंटर संक होता है या काउंटर सिंक होता है, उसमें बेवल शेप का आप ग्रूव बनाते हैं और काउंटर बोर में सीधा ग्रूव बनाते हैं। इस वाले चित्र में सीधा ग्रूव बनाया हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर आपका सिर, इस स्क्रू का सिर आके बैठ रहा है। तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ये ऑप्शन गलत हुआ। लास्ट ऑप्शन है रेज्ड चीज़ हैंड स्क्रू। ये हैंड स्क्रू नहीं है, चीज़ इसका हेड शेप, चीज़ हेड जो है वो थोड़ी मशरूम जैसी उठी हुई होती है, ये तो सिलेंड्रिकल हेड है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन 107, व्हाट इज द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विड्थ विद वन सेफ एज। वह फाइल का क्या नाम है जो अनुभाग में आयतकार है और एक सुरक्षित किनारे के साथ चौड़ाई में समानांतर है। जब भी आपकी कोई फाइल चौड़ाई में समानांतर होगी, रेक्टेंगुलर होगी, वो या तो हैंड फाइल हो सकती है या पिलर फाइल हो सकती है। पिलर फाइल वो होती है जिसमें एक किनारा सेफ है, ये मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में आपको बताया है। पिलर फाइल को खास तौर से हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ एक फिनिश्ड सरफेस होती है हमारे पास और उससे लंबवत एक सरफेस को हमें फिनिश करना होता है, तब हम सेफ साइड जो है वो फिनिश सरफेस पे टच करवाते हैं। और जब हम फाइलिंग ऑपरेशन करते हैं तो फिनिश सरफेस पे कोई कटाई नहीं होती, सिर्फ जो खड़ी हुई सरफेस है यानी कि लंबवत जो खड़ी सरफेस है उस पे कटाई होती है। तो आंसर देख लेते हैं, डॉट नट फाइल में कोई फेस आपका सेफ नहीं होता, ये बहुत रफ कट के लिए प्रयोग करी जाती है, आमतौर पर नॉन फेरस मेटल के लिए की जाती है। वार्डिंग फाइल में कोई फेस सेफ नहीं होता, दो फेसिस पे डबल कट टीथ होते हैं और दो एजिस पे सिंगल कट टीथ होते हैं, और इसका प्रयोग ताला और चाबी बनाने वालों के लिए होता है, वो करते हैं इसका प्रयोग। तो वार्डिंग फाइल इसका आंसर गलत है। और स्विस पैटर्न फाइल वो रेक्टेंगुलर शेप की नहीं होती, डबल कर्व शेप की होती है और बहुत ही प्रिसाइज फिनिशिंग जॉब करने के लिए उपयोग करी जाती है। इसका सही उत्तर है पिलर फाइल। पिलर फाइल वो है जिसमें एक एज सेफ होती है और वो आयतकार होती है और उसकी विड्थ में कोई टेपर नहीं होता, पैरेलल विड्थ की होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पिलर फाइल। क्वेश्चन नंबर 108, विच फाइल हैज़ डबल कट ऑन फेसेस एंड सिंगल कट एट एजेस। किस फाइल के चेहरे पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने उसका जिक्र किया था, ताला और चाबी में ग्रूव बनाने वाले, उसकी ताला और चाबी की रिपेयर करने वालों के पास ये आमतौर पर आपको मिलती हैं, इसको हम वार्डिंग फाइल कहते हैं। आगे से ये पॉइंटेड होती है, मतलब इसकी जो लेंथ है उसमें टेपर हम दे देते हैं आखिर में, और इसके दोनों फेसेस पे डबल कट होते हैं और एजिस पर सिंगल कट होते हैं। इस फाइल का नाम क्या है? वार्डिंग फाइल। पिलर फाइल, उसमें एक एज सेफ होती है, इसमें दोनों एज और दोनों फेसेस पे टीथ कटे हुए हैं, तो पिलर फाइल ये नहीं हो सकती। सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल से ये नहीं पता चल रहा, अच्छा इसमें तो क्वेश्चन में तो दे ही रखा है कि उसके फेसेस पे डबल कट है, तो सिंगल कट फाइल तो हो ही नहीं सकती। राफ्ट कट फाइल में टीथ ट्राइंगुलर आकार के होते हैं, प्रोजेक्शन जैसे होते हैं, आमतौर पे लकड़ी, चमड़ा या नॉन मेटल किसी चीज़ की घिसाई करने के लिए, कटाई करने के लिए हम रास्प फाइल का प्रयोग करते हैं, मेटल्स पे आमतौर पे इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वार्डिंग फाइल। क्वेश्चन 109, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम क्या है। अब ये पहला ऑप्शन जो है पिलर फाइल, ये नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसकी लेंथ में टेपर दे रखी है, जबकि पिलर फाइल की लेंथ में टेपर नहीं होती, थिकनेस में टेपर होती है। थिकनेस में इसलिए ताकि वो नैरो जगह में घुस के कटाई कर सके। तो पिलर फाइल तो इसका आंसर गलत है। वार्डिंग फाइल भी ये नहीं है, क्योंकि वार्डिंग फाइल का जो आगे से पॉइंट है वो पॉइंटेड होता है, इसमें टेपर तो है लेकिन आगे से कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, तो वार्डिंग फाइल भी ये नहीं होती है। स्विस पैटर्न फाइल, ओके देख लेते हैं। और डॉट नट फाइल इसलिए नहीं होगी कि सीधे दांते नहीं कटे होते, कर्व्ड दांते यानी कि रेखीय एक दिशा में दांते कटे होते हैं, कर्व्ड दांते कटे होते हैं, और वो ज़्यादा रफ कारों के लिए प्रयोग की जाती है। इसका सही उत्तर है स्विस पैटर्न फाइल। और क्यों ये उत्तर सही है, इसका एक और रीज़न है मेरे पास। अगर आप आखिर में देखें, यहाँ पर एक ओवल जैसी चीज़ दिखाई दे रही है, आमतौर पर रेती में यहाँ पर ऐसी कोई पार्ट नहीं होता, इसकी कोई सिर पे कोई टोपी जैसी हमने नहीं पहना रखी है, वरना ये कटाई कैसे करेगी इसको, मतलब इसको यूज़ कैसे करेंगे। ये एक्चुअली क्या दिखा रखा होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, मतलब इसका कटाक्ष का एरिया दिखा रखा है, और ये बता रखा है कि ये दोनों तरफ से, इसके ये वाला फेस और इसके पीछे वाला फेस कर्व्ड हैं, मतलब थोड़े घूमे हुए हैं, और इस तरीके की फाइल की शेप स्विस पैटर्न फाइल में मिलती है। तो इसका आंसर है स्विस पैटर्न फाइल। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का हमें नाम बताना है। ये गेज है तो ये रिंग गेज होगा ना, क्योंकि ये तो
किसी आउटर डायमीटर पे लगेगा तो ये रिंग गेज होगा, प्लग गेज जैसा नहीं है। प्लग गेज सॉलिड सिलेंड्रिकल होता है और रिंग गेज खोखला होता है। ये खोखले वाला है तो ये रिंग गेज हुआ। और ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि अंदर चूड़ियाँ कटी हुई हैं तो ये रिंग थ्रेड गेज हुआ। मतलब ये किसी एक्सटर्नल चूड़ियों को चेक करेगा, जैसे बोल्ट के ऊपर की चूड़ियाँ सही पिच की कटी हैं या नहीं कटी हैं, उसको चेक करने के लिए हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाहरी सतह पे ये जो क्रॉस लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं चित्र में, ये हैं नर्लिंग। और ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारे हाथ में ये आराम से ग्रिप होके हम इससे ऑपरेशन कर सकें, स्लिप ना हो ये ऑपरेशन करते हुए। तो इसका नाम होना चाहिए थ्रेडेड रिंग गेज, ऑप्शन बी सही है, थ्रेडेड रिंग गेज। डायमीटर और पिच ये दो चीज़ें चेक करते हैं हम थ्रेड गेज से। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थ्रेड रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गेज। ये गेज सी आकार का है, स्नैप गेज है, इस तरफ गो लिखा हुआ है, मतलब डायमेंशन इसके बीच में आ जाती है तो सही है। इस तरफ अगर डायमेंशन बड़ी होगी तो यहाँ नहीं आएगी, और डायमेंशन करेक्ट होगी तो यहाँ आ जाएगी। ये गो और नो गो गेज ऐसे होते हैं कि ये चेक करते हैं कि ये जो डायमेंशन हम नाप रहे हैं ये सही है या नहीं सही है। इस तरफ दिया हुआ साइज़ ये सही साइज़ है, इस तरफ दिया हुआ साइज़ हल्का सा कम होगा, यहाँ पर वो जॉब फिट नहीं हो पाएगा। तो हम ये नो गो गेज होना चाहिए, अगर इसमें नहीं आ रहा और इसमें आ रहा है तो आपका साइज़ सही बना है। इसको हम स्नैप गेज कहते हैं। टेपर गेज ये नहीं है, टेपर गेज जो है कॉनिकल सर्फेसिस को या शाफ्ट के कॉनिकल सतह को नापने के लिए होता है कि वो डिग्री सही बनी है टेपर की या नहीं बनी है। ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज ऐसा नहीं होता, वो सिलेंड्रिकल होता है और एक ही तरफ गो और नो गो गेज दोनों बने होते हैं, उसको हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। डबल एंडेड प्लग गेज भी ये नहीं है क्योंकि वो भी सिलेंड्रिकल होगा, एक सिरे पे गो गेज और दूसरे सिरे पे नो गो गेज होगा, उसको हम डबल एंडेड प्लग गेज कहते हैं। और इन सब की चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में, तो आप उनको भी साथ साथ देखते चलें कि ये देखने में कैसे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रिल गेज। ड्रिल गेज का क्या उपयोग है? ड्रिल के डायमीटर को चेक करना, जैसे पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने बताया था। हालांकि ड्रिल का साइज़ उसके शैंक पे लिखा होता है, पर बार बार मोर स्लीव में उसको यूज़ करने के बाद या जंग लगने से या कभी कभी दिखाई नहीं देता, वो छुप जाता है बहुत दिनों बाद काम करते करते, ड्रिल के ऊपर से उसका साइज़ मिट जाता है, मतलब वहाँ से इरोजन क्रोजन हो जाता है। फिर हमें कैसे पता चले इसका सही साइज़ क्या है? वर्नियर कैलिपर से नापोगे तो आपको सही रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि उसके फ्लूट के जो लिप्स होते हैं ना, जो कटिंग एज होती हैं, वो थोड़ी बाहर निकली हुई होती हैं, तो आपको सही डायमीटर उसका माइक्रोमीटर से या वर्नियर कैलिपर से समझ में नहीं आता है। उसके लिए हमारे पास होता है एक गेज, ड्रिल गेज कहते हैं उसको, वो डायमीटर नापता है ड्रिल का। ऑप्शन ए सही है, टू चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल। अगर जिस होल में वो ड्रिल आ रही है, आर पार जा रही है, वही उसका डायमीटर है, वो चेक करके बता देती है कि इस ड्रिल का डायमीटर क्या है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ड्रिल गेज का प्रयोग किया जाता है ड्रिल के डायमीटर को नापने के लिए। क्वेश्चन 113, व्हाट इज़ मार्क्ड एज एक्स। जो एक्स नाम से मार्क किया गया है ये क्या चीज़ है? अगर आप चित्र में ध्यान से देखेंगे तो दो रोलर लगे हुए हैं, उन रोलर के सेंटर का दूरी है जो एक्स प्रदर्शित की गई है। ये एक साइन बार है, साइन बार के दो रोलर जो नीचे लगे हुए हैं, उन दो रोलर्स के जो सेंटर है, रोलर का जो मध्य है, मध्य बिंदु, उनके बीच की सीधी दूरी x द्वारा प्रदर्शित की गई है, और यही साइन बार की लेंथ होती है। इसका सही उत्तर क्या है? लेंथ। ये लेंथ प्रदर्शित की गई है साइन बार। साइन बार की लेंथ ना तो ये होती, ना ये होती, ना रोलर के अंदर वाले हिस्सों की होती, ना रोलर के बाहर वाले किनारों की होती, ये होती है रोलर के मध्य बिंदु के बीच की सीधी दूरी, उसको हम लेंथ कहते हैं। क्वेश्चन 114, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। अब साइन बार और स्लिप गेजेस के कॉम्बिनेशन के साथ जब हम कोई चीज़ रीडिंग लेते हैं या चेक करते हैं, एंगल या हाइट, ये दो ही चीज़ें चेक करते हैं, तो उसमें एक्स द्वारा प्रदर्शित इस चित्र में ये चीज़ क्या है? ये है हाइट। ये हाइट है, यहाँ पे हमने कई स्लिप गेज लगा के उनको रिंगिंग करके उनको एक साथ लगा रखा है, और ये हमारी दशमलव के तीन प्लेस तक हाइट बन गई है। उसको नापने के लिए हमें साइन बार और इस एंगल की ज़रूरत होती है, और हम कैलकुलेशन से निकाल देते हैं कि ये हाइट कितनी है। वैसे ये हाइट साइन स्लिप गेज के ऊपर लिखी रहती हैं, उनको जोड़ के भी निकाली जा सकती हैं, तो फिर हम एंगल निकाल लेते हैं। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि जो एक्स आपको प्रदर्शित किया गया है इस चित्र में, वो क्या चीज़ है? वो हाइट ऑफ स्लिप गेज है। ये लगे हुए हैं आपके स्लिप गेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लिप गेज मुझे अलग अलग थिकनेस के दिखाई दे रहे हैं इसमें। इनकी थिकनेस जो भी होगी उनको ऐड कर देंगे तो ये टोटल साइज़ आपकी हाइट का बन जाता है। इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ स्लिप गेज। लेंथ ऑफ साइन बार ये नहीं है, वो तो इन दो रोलर्स के बीच की बद्धे की दूरी होगी जो पिछले सवाल में हम देख पाए।
डेटम सरफेस ये सरफेस प्लेट है, डेटम कहते हैं जहाँ से हम रीडिंग ले रहे हैं। तो हमारी साइन बार का रोलर भी इस सरफेस पे रखा हुआ है और हमारे जो स्लिप गेजेस हैं वो भी इस सरफेस पे रखे गए हैं। तो हम कहाँ से डायमेंशन ले रहे हैं, सरफेस कौन सी है डायमेंशन लेने की, उसको हम डेटम कहते हैं। तो डेटम सरफेस ये नीचे की सरफेस प्लेट की ऊपर की सतह हुई। आखिरी ऑप्शन है एडजेसेंट साइड, इसको नहीं कहते, एडजेसेंट साइड होती है बराबर वाली। अब बराबर वाली साइड तब पता चले ना जब हमें कोई एक साइड तो चिन्हित कर दो कि ये साइड है। एडजेसेंट साइड यहाँ पर बॉटम वाली होगी क्योंकि एक्स हमें अगर ये दिखा रखा है तो इसकी एडजेसेंट साइड या तो बेस होगी या हाइपोटेनियस होगी। ये बात आप समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर है हाइट ऑफ स्लिप गेज, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेज, इस गेज का नाम क्या है। ये सेंटर गेज है। यहाँ हम टूल लगाते हैं और टूल लगा के देखते हैं कि हमारी सरफेस पे ये वाला किनारा टच हो रहा है नहीं हो रहा, या हम किसी टूल के पॉइंट को यहाँ लगाएंगे और ये देखेंगे कि ये उस जगह टच कर रहा है जहाँ पर हमें कटाई करनी शुरू करनी है, मशीनिंग शुरू करनी है, उस पॉइंट को टच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमारे टूल को सेट करने के लिए इस सेंटर गेज का हम प्रयोग करते हैं। इसका नाम स्क्रू पिच गेज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्क्रू पिच नाम की, ये जो आपको अगर दांते स्क्रू जैसे लग भी रहे हैं ये बहुत दूर दूर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, इतनी बड़ी थ्रेड हम आमतौर पर नहीं बनाते हैं और सिर्फ दो हैं, दो से हमें पता नहीं चलता। हम कम से कम 5 थ्रेड को पूरा बिठा के देखते हैं, उसको थ्रेड पिच गेज कहते हैं। उसमें भी ऐसे दांते कटे होते हैं लेकिन वो बहुत बारीक बारीक होते हैं, करीब करीब होते हैं और दो से ज़्यादा होते हैं, कम से कम 5 या 6 होंगे। तो स्क्रू पिच गेज तो ये नहीं है। एंगल गेज भी इसको नहीं कहते हैं। एंगल गेज कुछ ऐसा दिखता है आपको। स्लिप गेज तो हाइट को नापने के लिए, जैसा पिछले सवाल में हमने देखा, एक दूसरे के ऊपर रिंगिंग करके उनको जोड़ देते हैं और वो एक पूरा आयतकार या घनाभ जैसे शक्ल का बना देता है और उसकी हाइट हमें पता होती है। तो स्लिप गेज ये नहीं है, सेंटर गेज ये ऑप्शन सही है। इसका नाम है सेंटर गेज और ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर गेज इसी ही आकार का हो। ये सेंटर गेज देखने में आपको ऐसा भी दिख सकता है लेकिन दोनों ही सेंटर गेज हैं। आपको अपनी आईटीआई में जाके इन सारे गेजेस को, सारे टूल्स को, सारे उपकरण को ना सिर्फ देखना चाहिए, उनके पार्ट्स, किस किस पार्ट का क्या नाम है, वो पार्ट किस काम आते हैं, उनका क्या क्या काम है, किस मटेरियल के वो बने हैं और किस किस शक्ल के वो दिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में जाके अपने आईटीआई में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116, इसमें आ गया भाई वो थ्रेड पिच गेज। अब आप देखें कि इसमें दो दांते नहीं कटे हुए, इसमें कम से कम 5-6 दांते कटे हुए हैं, ठीक है। तो इसका हम नाम समझ ही गए, ये है थ्रेड पिच गेज या स्क्रू पिच गेज भी इसको कहते हैं। सवाल था व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गेज, इस गेज को क्या कहते हैं। इस गेज के ऊपर आपको लिखा होगा कि ये चूड़ियाँ कितनी पिच की हैं, मतलब ये जो दांते हैं इनके बीच की सीधी दूरी कितनी है, 1 इंच में कितने दांते हैं, दोनों एक ही बात है, 1 इंच में कितने दांते हैं। तो अगर 1 इंच को नंबर ऑफ दांतों से डिवाइड कर देंगे तो 2 दांतों के बीच की सीधी दूरी आ जाएगी ना, तो इसको कहते हैं हम स्क्रू पिच गेज। ये बताता है कि हमारी जो चूड़ी जिसे हम चेक कर रहे हैं, जिस भी चूड़ी को आपको चेक करना है, इनमें से कोई सी एक पत्ती अपने दांतों पे उसके साथ जब हम बिठाएंगे तो इनके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, मतलब ये पूरा पूरा बैठ जाएगा उस चूड़ियों पे, बोल्ट की या नट की चूड़ियों पे जिसे हमें चेक करना है। और अगर बीच में कोई गैप नहीं रहा और ये इसके जो दांत हैं वो उसकी गहराइयों में पूरे बैठ गए हैं तो आप समझ लीजिएगा कि इसके ऊपर जो पिच लिखी हुई है वही पिच उस थ्रेड की है, नट के या बोल्ट के थ्रेड की है जिसको आप नाप रहे हैं। इसका सही उत्तर है स्क्रू पिच गेज। रेडियस गेज ये नहीं है क्योंकि इसके दांते कटे हुए हैं तो ये रेडियस नहीं नापता, हालांकि रेडियस गेज भी लगभग ऐसा ही दिखता है, बस उसमें दांते नहीं कटे होते, उसमें रेडियस कटा होता है। रेडियस गेज ये नहीं है। स्लिप गेज ऐसा बिल्कुल नहीं होता, स्लिप गेज तो घनाभ शेप के होते हैं। सेंटर गेज तो हम पिछले सवाल में देख ही चुके हैं, सेंटर गेज जैसा नहीं लग रहा है। क्वेश्चन 117, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। देखिए दिख तो रहा है ये सी जैसा ही तो है, तो ये स्नैप गेज, लेकिन अगर आप इसके नापने वाले इस एनविल को देखेंगे ना, इस सिरों को देखेंगे जहाँ से ये साइज को नाप रहा है, यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई हुई हैं, तो ये स्नैप थ्रेड गेज हुआ। बोल्ट को हम इधर से डालेंगे ऐसे और अगर ये चूड़ियाँ बिल्कुल उसके बीच में आके फिट बैठ गई तो जो इस स्नैप गेज की चूड़ियों की पिच है वही उस बोल्ट की होनी चाहिए, तो हम इससे चेक कर लेते हैं। ये रिंग गेज नहीं है, रिंग गेज ऐसा नहीं दिखाई देता, वो तो सर्कुलर होता है और बीच में से खोखला होता है। रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज, इसमें कोई रोलर आपको दिखाई दे रहा है, कोई पहिया दिखाई दे रहा है, तो ये रोलर टाइप तो नहीं हो सकता। थ्रेड प्लग गेज तो सिलेंड्रिकल ठोस होता है ऐसा दिखता है, ऐसा तो ये नहीं दिख रहा है। आंसर डी सही है, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। ये स्नैप गेज है जो थ्रेड को नापने के लिए प्रयोग कर रहे हैं और उस थ्रेड को नापने के लिए हमने इसके दोनों नापने वाले सिरों पे एनविल लगाया हुआ है। क्वेश्चन 118, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, ये है वो गेज जो बार बार हमारे सामने आ रहा था नाम, प्लग गेज कहते हैं इसको, और ये है डबल एंडेड प्लग गेज।
इस तरफ गो लिखा हुआ है, और आपको अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ। गो के साथ नीचे जो डायमेंशन दे रखी है वो है 24.985, और उस तरफ नो गो के साथ लिखी हुई है 25.015। इसका मतलब क्या हुआ कि 24.985 साइज हमें चाहिए, ये वाला सिरा तो उस होल में, उस बोर में घुस जाएगा। गो लिखा हुआ है ना, मतलब ये तो जाएगा। और दूसरे वाला सिरा जो हमने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, नो गो गेज की तरफ हमने लिखा हुआ है 25.015, वो 25 mm से थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये वाला साइज़ नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए हमें। लेकिन 24.985 से लेकर 25.014 तक सारे साइज़ सही हैं, लेकिन 25.015 ये वाला साइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला सिरा उस हो बोर के अंदर, उस इंटरनल डायमीटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसे चेक करते हैं हम बोर को, और वो भी बहुत क्लोज टॉलरेंस लिमिट्स में। तो इसका सही उत्तर है डबल एंडेड प्लग गेज। पहला ही आंसर सही है, डबल एंडेड प्लग गेज। डबल एंडेड क्यों? क्योंकि गो गेज एक तरफ बना हुआ है, गो सिरा एक तरफ बना हुआ है, और नो गो सिरा दूसरी तरफ बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे डबल एंडेड। अगर ये दोनों सिरे एक ही तरफ बने होते, पहले गो गेज उसके पीछे नो गो गेज, तो इसको कहते प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई थ्रेड नहीं कटी हुई, तो थ्रेड का तो कोई जिक्र नहीं आ रहा है। सेकंड ऑप्शन गलत हुआ, प्रोग्रेसिव प्लग गेज ये नहीं है। टेपर प्लग गेज इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, इसमें कोई टेपर नहीं दे रखी है, सीधा बेलनकार दे रखा है, शंकुकार नहीं है ये। टेपर रिंग गेज इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिंग गेज है ही नहीं, रिंग गेज तो खोखला होता है, ये तो सॉलिड शाफ्ट से बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ए, डबल एंडेड प्लग गेज। क्वेश्चन 119, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स इस प्रोग्रेसिव प्लग गेज में, एक्स जो चित्र में दर्शाई गई है वो क्या है? ये गो सिरा है, क्योंकि पहले गो सिरा बनाया जाएगा, ये तो अंदर चला जाना चाहिए। इसके पीछे जो ये दूसरा आपको सिलेंड्रिकल एक हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है नो गो सिरा, नो गो एंड या नो गो प्लग गेज। ये वाला सिरा आगे वाला चला जाना चाहिए इंटरनल डायमीटर में, पीछे वाला नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसको हल्का सा हमने बड़ा बनाया हुआ है। तो ये हुआ प्रोग्रेसिव प्लग गेज, और ये गो वाला सिरा है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज का भी गो वाला एंड है, नो गो वाला एंड ये होता। अगर एक्स यहाँ लिखा होता तो इसका उत्तर डी हो जाता। डबल एंडेड पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये तो दोनों एक ही सिरे पे बने हुए हैं, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव कहेंगे। सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि टेपर नहीं दिखा रखा, ये सीधा बेलनकार है, शंकुकार नहीं है। और आखिरी ऑप्शन प्रोग्रेसिव प्लग गेज तो है, लेकिन जो हिस्सा हमें एक्स से प्रदर्शित है वो नो गो सिरा नहीं है, वो गो सिरा है। आगे हमेशा गो सिरा रहेगा। आगे अगर आपने नो गो सिरा रख दिया तो ये कैसे चेक करेंगे कि पिछले वाला सिरा अंदर जा रहा है नहीं जा रहा? जब आगे वाला मुंह ही अंदर नहीं जा रहा तो पीछे वाले मुंह को कैसे चेक करेंगे? इसलिए हमेशा गो वाले सिरे को, गो वाले एंड को आगे रखा जाता है, और नो गो वाले सिरे को उससे पीछे रखा जाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज में। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेज? इस गेज को अगर आप देखें, इसमें टेपर दिखा रखी है, तो ये टेपर प्लग गेज हुआ। इसका ऑप्शन डी सही है, ये क्योंकि शंकुकार है, बेलनकार नहीं है, मतलब ये सीधी सतहें नहीं है, सीधी लाइन पैरेलल नहीं है, दोनों डायमीटर कहीं से छोटा और कहीं से बड़ा है, इस वजह से इसको हम टेपर कहेंगे। और ये टेपर इंटरनल डायमीटर को नापेगा, मतलब किसी बोर के अंदर घुस के ये नापेगा कि इसकी टेपर जो आपने बनाई है अंदर के इंटरनल डायमीटर की, वो सही डिग्री में बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि वो डिग्री इससे सेट है, इससे चेक हो जाएगी वो। इसको हम कहेंगे टेपर प्लग गेज। डबल एंडेड प्लग गेज पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, वो ऐसा नहीं होता, उसमें दोनों सिरों पे गो और नो गो गेज बने हुए होते हैं। प्रोग्रेसिव प्लग गेज भी ये नहीं है, उसमें एक के बाद एक गो और नो गो बने होंगे। टेपर रिंग गेज ये नहीं है क्योंकि ये खोखला नहीं है, है तो सॉलिड ही ना। ये है टेपर प्लग गेज। प्लग गेज इंटरनल डायमीटर को नापता है और रिंग गेज एक्सटर्नल डायमीटर या थ्रेड को नापेगा। तो इसका सही उत्तर है डी, टेपर प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स? एक्स से क्या मार्क किया गया है? ये दोनों थ्रेड रिंग गेज हैं, ये तो आप समझ गए होंगे, थ्रेड रिंग गेज हैं। अब रिंग गेज में भी तो गो और नो गो गेज होते हैं। पहचान ये है, अगर आपके यहाँ जहाँ पर ये नर्लिंग हो रही है, अगर उसके ऊपर एक ग्रूव बना हुआ है जिसपे नर्लिंग नहीं हो रही है, तो वो हमेशा नो गो गेज होगा। क्योंकि हो सकता है, वैसे इस पर लिखा रहता है कौन सा गो है और कौन सा नो गो है, पर अगर वो मिट गया तो हमें कैसे पहचान हो कि कौन सी चूड़ियाँ चढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं चढ़नी चाहिए, कौन सा गो गेज है और कौन सा नो गो गेज है? उसकी पहचान बनाने के लिए नो गो गेज के ऊपर ये एक नर्लिंग का हिस्सा छोड़ दिया जाता है, ताकि पहचान हो सके कि ये वाला गेज नो गो गेज है। तो इसका सही उत्तर होगा थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड इसलिए क्योंकि इसके अंदर थ्रेडिंग आपको दिखाई दे रही है, रिंग गेज इसलिए क्योंकि ये एक्सटर्नल डायमीटर या एक्सटर्नल थ्रेड को नापने के लिए है, ये हॉलो है।
और नो गो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एक रिंग कटा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये थ्रेड रिंग गेज नो गो कहलाएगा। ऑप्शन बी सही है, थ्रेड रिंग गेज गो वाला ये वाला पार्ट है आपका। रिंग गेज खाली नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो थ्रेड कटी हुई दिखाई दे रही है, अंदर की धारियां थ्रेड यानी कि चूड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको, तो खाली रिंग गेज नहीं है वो, तो सिर्फ डायमीटर नापता, लेकिन ये चूड़ियों पे चढ़ के इसको घुमा घुमा के चूड़ियों पे चढ़ाएंगे, अगर ये वाला हिस्सा चढ़ गया तो चूड़ियां सही बनी है और ये वाला हिस्सा नहीं चढ़ना चाहिए, अगर ये भी चढ़ रहा है तो चूड़ियां गलत बन रही हैं आपकी, ठीक है। तो आखिरी ऑप्शन है थ्रेड पिच गेज, थ्रेड पिच गेज हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, थ्रेड स्क्रू गेज कह लो या थ्रेड पिच गेज कह लो एक ही बात है, वो पत्तियाँ होती हैं पतली पतली एक फ्लैट्स होती हैं, उन पे हम दांते काट के रखते हैं पिच के अनुसार, वो दांते अगर आपके थ्रेड्स पे पूरे बैठ रहे हैं तो वो हमें चेक कर देते हैं कि आपकी थ्रेड इस पिच की बनी है नहीं बनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थ्रेड रिंग गेज नो गो, क्योंकि एक्स इस पार्ट पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेज, ये डबल एंडेड है और थ्रेड प्लग गेज है, इस तरफ गो है, इधर लिखा हुआ है नो गो, यानी कि गो वाला सिरे में चूड़ियाँ चढ़ जानी चाहिए, नो गो वाले सिरे में चूड़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। तो हमें क्या पता चल गया कि ये प्लग गेज है पहली बात, थ्रेड प्लग गेज है दूसरी बात, और डबल एंडेड है तीसरी बात। अब आंसर देख लेते हैं, थ्रेड रिंग गेज तो ये है ही नहीं क्योंकि वो तो खोखला होता है, तो प्लग गेज है, थ्रेड रिंग गेज ही नहीं है। थ्रेड प्लग गेज ये आंसर सही हो सकता है। अगला ऑप्शन है थ्रेड पिच गेज, थ्रेड पिच गेज ये नहीं होता, वो तो पत्तियों में होता है, ये प्लग गेज है। और लास्ट ऑप्शन है टेपर प्लग गेज, इसमें टेपर नहीं दे रखी है और वो टेपर बोर को नापेगा, ठीक है ना। तो ये वो टेपर प्लग गेज की हमने चित्र पहले किसी क्वेश्चन में देख लिया है, वैसा तो ये नहीं लग रहा है। इसका सही उत्तर है थ्रेड प्लग गेज। क्वेश्चन 123, व्हाट इज द क्विंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग, ब्राइन सॉल्यूशन, ये बहुत जल्दी ठंडा कर देता है आपके किसी भी जॉब को जिसको आपने ऊष्मा उपचार करके गर्म किया हुआ है। अगर आपको क्विंचिंग मतलब उसको बहुत रैपिडली एकदम से उसको ठंडा करना है, और ये कब करते हैं, ताकि मार्टिन सिटिक स्ट्रक्चर ऑप्टेन हो जाए जो बहुत हार्ड होता है, एयर में बहुत जल्दी ठंडा नहीं होगा। आपने किसी चीज़ को गर्म करके लाल कर दिया तब भी उसको 3-4 घंटे लग जाते हैं ठंडा होने में, अगर बिल्कुल लाल कर दिया है तो एयर इसका आंसर नहीं होगा। ऑयल में तो धीरे धीरे ठंडा होता है भाई, और वाटर में भी ठंडा तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन वाटर से भी ज़्यादा ब्राइन सॉल्यूशन ये एकदम ठंडा कर देता है आपके गरम लाल जॉब को। तो इसका सही उत्तर ए है, ब्राइन सॉल्यूशन। क्वेश्चन 124, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, ओके ये आयरन कार्बन फेज डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, ऊपर जो ये लाइन आ रही है इसको कहते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये 920 डिग्री के आसपास मिलता है। जो नीचे सीधी लाइन जा रही है जिसपे एक्स लिखा हुआ है, ये है लोअर क्रिटिकल तापमान, जो लगभग 720-730 डिग्री डिपेंडिंग ऑन योर कार्बन परसेंटेज, यहाँ नीचे आपको कार्बन परसेंटेज लिखी हुई है। तो ये एक आयरन कार्बन फेस डायग्राम है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो सीधी रेखा है जिसपे एक्स लिखा हुआ है ये क्या है, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है 720 डिग्री के आसपास। इसका सही उत्तर है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर ये इस लाइन पे एक्स लिख देते तो ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता। ऑस्टेनाइट जो है, जो ऊपर ये लाइनें आपको ऐसे शो कर रखी हैं ऊपर के इस पूरे रीजन में, आप इसको गर्म करते चले जाओ, कहाँ तक मेल्ट नहीं करना, मेल्ट ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके या 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से पहले पहले सॉलिड अवस्था तक यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर आपको ऑस्टेनिटिक मिलेगा, क्योंकि मेल्टिंग होने के बाद अगर लोहा पिघल ही गया फिर तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं रहा ना, फिर तो वो क्रिस्टलाइन नहीं रहा, क्या नहीं रहा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं रहे, कोई ग्रेन्स नहीं रहे, कोई क्रिस्टल्स नहीं रहे। तो पिघली हुई अवस्था की बात नहीं करते हम, सॉलिड स्टेट अवस्था की बात कर रहे हैं। अगर 1250 डिग्री यानी कि मोल्टन तापमान से पहले और क्रिटिकल तापमान के ऊपर ये जो एरिया आपको मिलता है इसमें सारा स्ट्रक्चर ऑस्टेनिटिक होता है। और फेराइट, जैसे पिछले किसी एक क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को हल्का सा देख चुके हैं, फेराइट एक आयरन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई कार्बन नहीं होता, और वो आपको यहाँ मिलता है इस रीजन में परलाइट के साथ। इस लाइन के इधर परलाइट प्लस फेराइट होगा, इस लाइन के इधर परलाइट प्लस सीमेंटाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है। ये बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, अगर किसी वीडियो में इस एग्ज़ाम के बाद मैं बनाऊँगा तो आप लोग देखना उसको, आपको बहुत समझ में आएगा, और मेटलर्जी के बारे में आप बहुत अच्छा एक ज्ञान जान सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, पहले मैं परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एल्बोज एंड बेंड्स दैट प्रोवाइड डाइवर्जेंस, एल्बोज और बेंड का कोण क्या होता है जो विविधता प्रदान करते हैं। एल्बो होता है कोहनी,
और ये एक पाइप फिटिंग होती है एल्बो, इसका कोण एल्बो का हमेशा 90 डिग्री होता है। तो जिसमें एल्बो क्योंकि शब्द आया हुआ है तो 90 डिग्री जिसमें आंसर होगा वो आंसर सही होने वाला है, वो एक ही आंसर है इसमें 90 डिग्री। जो बेंड्स होते हैं बेंड्स, ये बेंड 90 डिग्री से अलग भी डिग्रियों में आते हैं। मतलब अगर कोई दो पाइपलाइन आपको 90 डिग्री में अगर आपको उसको कनेक्ट करना है तो आपको बीच में एल्बो लगाना पड़ेगा, उसको 90 डिग्री बेंड भी कहते हैं। और अगर इसके अलावा किसी और डिग्री में किसी दो पाइपलाइन को जोड़ना है तो बीच में आपको बेंड लगाने पड़ेंगे। ये 45 डिग्री के भी हो सकते हैं, 60 डिग्री के बेंड भी आते हैं, हर तरीके के आते हैं। मुझे ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पर इसका उत्तर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि एल्बो शब्द लिखा हुआ है, एल्बो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। बेंड्स 45 डिग्री के भी हो सकते हैं, 30 डिग्री के भी हो सकते हैं, 60 डिग्री के भी हो सकते हैं। आपको जो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहें 55.5 डिग्री का मुझे बेंड चाहिए, वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो मतलब कॉमन आपके पाइप फिटिंग में जो कॉमन एंगल्स आपके हो सकते हैं उनके आसपास आपको बेंड मिल जाते हैं, ठीक है। और ये हर मटेरियल में मिल जाते हैं, प्लास्टिक में मिल जाते हैं, लोहे में मिल जाते हैं, जिस भी चीज़ जिस भी धातु के आपको बेंड बनवाने हो आप बनवा भी सकते हो, मार्केट में मिल भी सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, 90 और 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट टाइप ऑफ स्क्रूज आर यूज इन प्लेसेस वेयर फ्रीक्वेंट रिमूवल एंड असेंबलिंग। किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जिन्हें बार बार हटाया और इकट्ठा किया जाता है। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सवाल क्या है, स्क्वायर हेड स्क्रू से कैसे जल्दी और फिटिंग होती है। आंसर दे रखा है स्क्वायर हेड स्क्रू, स्क्वायर हेड स्क्रू से हमारी असेंबली जल्दी से बंद और जल्दी से खुल कैसे जाएगी। भाई या तो इस सवाल में कुछ गड़बड़ है या इसके आंसर में कुछ गड़बड़ है। आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर स्क्वायर हेड स्क्रू क्यों है, और मैं ज़बरदस्ती तो ज्ञान नहीं पेल सकता आपको, क्योंकि मुझे आंसर अगर पता है और आंसर की में अगर इसका आंसर दे रखा है और मैं ज़बरदस्ती बिना खुद कन्विंस हुए आपको नहीं समझा सकता कि इसका आंसर क्यों है। आप बस इसको याद कर लेना मेरे दोस्तों कि अगर ये सवाल आए तो इसका उत्तर आंसर की में स्क्वायर हेड स्क्रू दे रखा है, मुझे नहीं पता वो क्यों दे रखा है। हमें असेंबली करते हुए स्क्वायर हेड स्क्रू को प्रयोग करने से क्या टाइम की बचत होती है मैं वाकई नहीं जानता हूँ कि ऐसी कोई बचत होती है, उसका क्या रीज़न है तो, और क्यों उससे ज़्यादा अच्छे स्क्रूज़ हमारे पास नहीं हैं। तो बहरहाल मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। 126 क्वेश्चन अगर आप इसको देख ले, क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस प्रकार का स्क्रू वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर बार बार असेंबली को खोलना पड़े और बार बार उसको बंद करना पड़े और हमें ये काम जल्दी करना हो, तो उसका आंसर इन्होंने दे रखा है स्क्वायर हेड स्क्रूज, जैसा ये कहें हम मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट टाइप ऑफ नट्स आर यूज इन कोच बिल्डिंग वर्क। कोच निर्माण कार्यों में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है। भाई इसका उत्तर भी स्क्वायर नट दे रखा है, क्यों दे रखा है मुझे नहीं पता। देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कोच होता किसको है। कोई भी ऑटोमोबाइल का जो केबिन होगा उसको हम कोच कहेंगे, चाहे रेलगाड़ी का कोच हो, रेलगाड़ी भी ऑटोमोबाइल में आती है ना, चाहे कार हो, बस हो, ट्रक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑटोमोबाइल हो, जिसकी जो बॉडी है जिसमें आप बैठ के, जो केबिन है जिसमें आप बैठ सकते हो, उसको कोच कहते हैं। रिक्शाओं में यस मैं मान सकता हूँ इस बात को, अगर आपने कभी रिक्शाओं में देखा हो तो आपको चकोर नट बहुत मिलेंगे, उसके जो हुड पीछे बना रहता है लकड़ी में, चकोर नट का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है लकड़ी के कार्यों में। चकोर हेड वाले और चकोर उसके साथ नट वाले स्क्रू का और नट का बहुत इस्तेमाल होता है। और दूसरा मुझे चकोर नट प्रयोग होते दिखाई दिया है इलेक्ट्रिकल चीज़ों में, पर कोच फैक्ट्री में आप कभी बस में गए हों और आपको दिखाई दिया हो, अब तो फिलिप हेड वाले स्क्रू होते हैं जो चार मुंह वाले होते हैं ना, जो आम स्क्रूज होते हैं वो प्रयोग होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि स्क्वायर नट का ही प्रयोग होता है। तो भाई 127 क्वेश्चन के बाद आज मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि दो सवाल मेरे सामने ऐसे आ गए जिनका मुझे पता नहीं कि मैं ये सवाल का मतलब इसका क्या मतलब है और इसका आंसर ये क्यों है, क्योंकि मैं जब समझाता हूँ आपको सवाल मुझे भी समझ में आना चाहिए और उनके चारों ऑप्शन में वो आंसर क्यों सही है ये मुझे बताने का मन होता है। तो अभी फ़िलहाल दो क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जिसमें मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको कि इसका ये आंसर क्यों है, बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसको रट लेना परीक्षाओं के लिए और अपने अच्छे अंक प्राप्त कर लेना, मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी के क्वेश्चंस की वीडियो कल बनाऊंगा, तब तक आप खुश रहें, मस्ती करें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू, गुड बाय।